अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम आ गए फिर एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं कहाँ फैज? गुर्दम मल्लिक। ड्राइवर जो है सुबह सुबह में उठा दिए ले भाई, सुबह 4:40 में हमें उठा दिए। अब यहाँ से हमें गुर्दम मल्लिक जाना है। गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम के इस पैकेज का हमारा आज दूसरा दिन है। अभी हम दूसरे का भी खबर लेते हैं। यहाँ पे अपना एक दोस्त है, फैमिली लेके आया है, इससे भी पूछ लेते क्या कर रहा। ओ भाई, ठंडी लग रही है यार, बहुत ठंडी। एक काम करेगा भैया, मेरे को आग लगा दे। हमारी गाड़ी जो है लाचुंग से निकल गई है गुर्दम लेक के लिए। तो जैसे कि भाई, लाचेन से गुर्दम लेक के बीच में हमें यहाँ पे रुकाया गया है नाश्ते के लिए। यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करेंगे, अब इसके अंदर जाने नाश्ते के लिए। ओहो, तो भैया यहाँ पे हम लोग ने अभी जय रोटी खा के अब यहाँ से अब निकलेंगे। अभी कहाँ जाएंगे भैया? पहले सागर भैया, पहले कहाँ जाएंगे? पहले काला पत्थर जाएंगे, उसके बाद गुर्दम लेक जाएंगे। तो अभी गाड़ी में बैठ गए, अब यहाँ से डायरेक्ट हम काला पत्थर जाने वाले। दोस्तों, गैंगटॉक से जब आप लाचेन आते हैं और लाचेन से जब आप गुर्दम लेक जाते हैं, तो ड्राइवर जी आपसे पूछता है कि क्या आप लोग को काला पत्थर देखना है। अगर आप लोग को देखना होगा तो उसके लिए आपको 350 रुपया ड्राइवर को देना पड़ेगा अलग से। दोस्तों, ये थांगू का एरिया जो है यहाँ लगभग समझो अभी कम से कम 11,000 फीट के ऊपर है। ऐसा मत करो यार। Thank you.
तो भाई फाइनली हम काला पत्थर आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं पीछे पीछे का नज़ारा आप देखिए काला पत्थर और इस साइड तो भाई देखिए जन्नत, अल्लाह अकबर, ये दुनिया का जन्नत है यार, अल्लाह ने क्या जन्नत बनाया होगा हमारे लिए। इफाज फिसल रहा है यहाँ पर। हाँ मेरा यहाँ पे लेस खुल गया यार, ऊपर चलते आराम आराम से चलते। ओ फायज बेटा पैसा देना पड़ता है ये सब चीज़ के लिए, पैसा वसूल है समझा क्या भाई। आराम आराम से आप, पैर फिसल रहा है। ए इफाज के धोर पे, ओहो हो अल्लाह अकबर। 7 मिनट, ए 7 मिनट भाई गिर जाएंगे लग रहा है ऐसा। देखो फिसल रहा है देखो, ओहो। और यहाँ से आप नज़ारा देखो भाई, अल्लाह अकबर क्या नज़ारा है। ऊपर आ जा, कोई दिक्कत इधर दिक्कत नहीं। ऐसा ऐसा पत्थर बीच में मतलब है ना। हाँ हाँ तो उसमें बर्फ घुस जाता है, पैर घुस जाते हैं, मतलब कल मैं घुस गया था। हाँ चोट लग जाती ना फिर। चोट नहीं लगा, मतलब मेरा शूज जो है ना जी बर्फ का ही है। अरे यार भैया ने बता दिया यार, वो पूरा खाली मेरा जो कटा कटा है ना। हाँ हाँ पूरा खाली कर देते। अरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो संभाल संभाल के चलना पड़ेगा। हाँ इससे पहले आप कहाँ गए थे? पहले लाचुंग गए थे। हाँ उसके बाद 0 पॉइंट गए। हाँ उधर एक वो गर्म पानी का एक है ना। हाँ मतलब वो दवाई वाला। हाँ तो उधर आप नहाओगे तो हाँ बहुत सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है शरीर का। ए इस्राफेल। हाँ वो 0 पॉइंट के ऊपर। इस्राफेल 0 पॉइंट के ऊपर ही है। 0 पॉइंट के ऊपर वहाँ जाना, पैसा वसूल है ना। हाँ पैसा वसूल है लेकिन इधर ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कल बहुत दूर तक गया था। हाँ तो चलते है भाई ऊपर की तरफ। ये भाई और एक चीज का ख्याल रखना है हमें कि यहाँ पे चलने से पहले थोड़ा पैर को दबा दबा के ही चलना है, क्योंकि कहीं पे भी हमारा पैर दब सकते हैं। ओहो ये देखिए ऐसा कि ऐसा देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि बर्फ यहाँ पे जमा हुआ है लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं खड्डा है, कोई अगर पैर दे दे तो डायरेक्ट अंदर घुस जाएगा। तो थोड़ा संभाल संभाल के हमें चलना होगा। अरे बाप रे मजा आ गया भाई, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा और एकदम से भाई क्या ही बताओ हालत डाउन हो रहा। तो ये आप देख सकते हैं भाई नजारा, लगभग पूरा का पूरा एरिया जो है काला पत्थर। भाई अभी हम कितने फीट ऊपर हैं कुछ आइडिया? सेकंड रुकिए, अभी हाँ इधर दिखाइए। अभी है 3,494 meters into 3.3। हाँ मतलब 15-16,000 जैसा हो गया है। 15-16,000 feet है जैसा हो गया है। अरे बाप रे बाप, इस वक्त हम 15,000 feet के ऊपर है। यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, प्रॉब्लम लेवल कम है थोड़ा। हाँ अल्लाह अकबर। और एक फेंकी है, और एक इन्होंने बताया। हाँ तो फिर चोट लग सकती है। तो भाई हमारा जो वीडियो ये भैया बना रहे थे बहुत अच्छे भैया है, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। भैया अपना फेस दिखाओ पहले यहाँ पे। देखो इनका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इन्होंने थोड़ा मदद किया हमारा। भैया थोड़ा ऊपर चलते हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने कर रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ भाई। भाई इतना तो मेहनत करने के बाद अगर लाइक ना आए तो मूड ऑफ हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं
यहीं पे काला पत्थर का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको गुड़दम लेक, कहते हैं ना भाई, हाँ, गुड़दम लेक का वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है, यकीन मानो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेयर है वो बहुत कम है। और ये देखो भाई, यहाँ पे आर्मी लोग का सब बेस वगैरह लगा हुआ है। इसके जस्ट वो पार में ही चाइना का बॉर्डर है, चाइना की मिलिट्री वहाँ पे रहती है, तो आगे जाना मना है। ओ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, और देख सकते धीरे धीरे कितनी ज़्यादा रश हो गई है यहाँ पे। हाँ, बहुत ज़्यादा रश हो गई है। आगे भी थोड़ा दिखा दूँ मैं आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि वीडियो बंद ही ना करूँ, आपको नज़ारा दिखाता ही रहूँ। हाँ, हाँ? ये अल्लाह ही जाने, यहाँ पे देखो एक जानवर का पैर का निशान लग रहा है मेरे को, ये किसी जानवर के पैर का निशान नहीं, ये आर्मी लोग के पैर का निशान लग रहा है भाई। क्या तो फिर ये आर्मी लोग का पैर का निशान है, और वो शायद उनके पास जो डंडी रहती है ना जो चल के लेके जाते, वो शायद वो होगा। हाँ हाँ, देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड का नज़ारा देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखो सामने है आर्मी लोग का कैंप, यहाँ पे आर्मी लोग रहते हैं, वो देखिए यहाँ पे आर्मी खड़ा हुआ है। हाँ, आगे ऊपर देखिए जा सकते हैं हम, लेकिन जाना यहाँ से अलाउ नहीं है। हो ये देखो ना भाई, पैर का निशान पूरा, ये पूरा पैर का निशान नहीं है। अल्लाह अकबर, मज़ा आ गया भाई, पैसा वसूल है, जैसा पैसा फेंकोगे पैसा इंजॉय करने मिलेगा। मैंने पैसा फेंका, मुझे इंजॉय हो रहा है। आप भी आओ, अगर लाइफ में कभी सिक्किम आते हो गैंगटॉक तो ये वाले प्लेस पे ज़रूर आना, काला पत्थर बहुत ही खूबसूरत जगह है ना भैया। हाँ, बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह।